बड़ी खबर, नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन और दिल्ली के कई इलाकों में विरोध तेज हो चुका है। धारा 144 लागू कर दी गई है इसको लेकर। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली में कई संगठनों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं बेंगलुरु, यूपी के कई हिस्सों में धारा 144 लगा दी गई है और दिल्ली में 19 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं और इसका असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है। वहीं लाल किले के पास भी धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में लगातार प्रदर्शन हो रहा है और इस कानून को लेकर के विरोध की आवाज उठ रही है। लेकिन यूपी के लखनऊ में आगजनी की गई है। आज एक बार फिर से हिंसा की तस्वीरें, आगजनी की तस्वीरें देखने को मिली हैं। सवाल यही कि आखिर कब तक ये आगजनी होगी, आखिर कब तक इसी तरीके से ये हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ होती रहेगी। नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर दिल्ली के कई इलाकों में प्रोटेस्ट जारी है। आप देख सकते हैं इस समय मैं मौजूद हूँ मंडी हाउस पे और मंडी हाउस पे तमाम जो संगठन के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। हालांकि पुलिस फोर्स यहाँ पे भारी तरह से मौजूद है। अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पे जो कुछ लोग हैं उनको भी हिरासत में लिया गया था और दूसरी जगह भेजा गया। आप देख सकते हैं डीटीसी की जो बसें लगी हुई है यहाँ पे, इसमें लोगों को जो यहाँ प्रोटेक्ट करते हैं उनको यहाँ से इस बस में भरकर भेजा गया दूसरी जगह। और सामने भी आप देख सकते हैं डीटीसी की बसें हैं, उसमें भी अभी जो प्रदर्शनकारी हैं उनको बसों में भरकर भेजा जा रहा है, दूसरी जगह भेजा जा रहा है। हालांकि पुलिस फोर्स ने पहले ही कह दिया था कि कोई भी आंदोलनकारी यहाँ पे इकट्ठा होगा तो उसको उसकी गिरफ्तारी होगी, उसको गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो तमाम लोग हैं, तमाम जो संगठन के लोग हैं वो इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। हालांकि सुबह पुलिस ने यहाँ पे फ्लैग मार्च भी किया लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो संगठन के लोग हैं वो इकट्ठा हुए। हालांकि पहले से ही पुलिस के पास सूचना थी कि मंडी हाउस पे जो प्रदर्शनकारी हैं वो इकट्ठा होंगे और यही वजह है कि देख सकते हैं यहाँ पे अब जाकर कहीं ना कहीं जो यातायात उसको भी खोल दिया गया। हालांकि जो प्रदर्शनकारी थे वो लगातार यहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से उनको खदेड़ दिया गया है। हालांकि आप देख सकते हैं जो बसों में जो डीटीसी की बसें हैं उसमें भर के जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहां से ले जाया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा कहीं अन्य जगह पर। हालांकि अब देख सकते हैं यहां पे जो हालात है वो सामान्य हो गए हैं। हालांकि कुछ पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे लगातार मौजूद है और इस तरह से दिल्ली के कई जगहों पे इस एक्ट को लेकर अभी तक विरोध चला। जामिया की बात करें हम, लाल किले की बात करें, हालांकि लाल किले पे सुबह 144 लगा दी गई थी, योगेंद्र यादव को भी वहाँ से गिरफ्तार किया गया था लेकिन उसके बाद जो प्रदर्शनकारी है वो धीरे धीरे इकट्ठा होने कई जगहों पर होने इकट्ठा शुरू होगा और यही वजह है कि यहाँ पे मंडी हाउस पर भी इकट्ठा हो गए। हालांकि अब जाकर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हालात है वो सामान्य हो गए। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मुकेश मंडल, एसटीवी हरियाणा न्यूज़, दिल्ली।